मैनपुरी से डिंपल यादव अविनाश कृष्ण को नामांकन पत्र सौंपा गया है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ सपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष आलोक साक्य मौजूद रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट दमदारी के साथ जीत हासिल करेगी, ये डिंपल यादव ने कहा है। बसपा प्रत्याशी गुलशन साक्य का टिकट कटने के बाद सपा का हाथ थामा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। इनका और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसका है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ताली थाली और घंटी बजाने वाले लोग, गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, ये गारंटी नहीं है, ताली थाली वाली आवाज है। ये जो गारंटी है, सोचो जिनका हर बात झूठी हो और झूठे वादे किए हों जिन्होंने, और समय समय पर जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सी संस्थाओं का सहारा लेना पड़ा हो, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट, ये अमेरिका का नारा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अमेरिका नहीं गए। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट मैनपुरी खत्म होते ही एटा में शुरू हो जाता है कारखाना। अगर वो लग गया होता तो आज गरीब को, किसान को बिजली मुफ्त मिल रही होती, सस्ती मिल रही होती। बताओ बिजली का महंगा हो गया बिल। और नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले, हमें खुशी है इस बात की समाजवादियों को। और मुझे याद है जिस समय मैं लैपटॉप बांटने जा रहा था नेताजी से लेकर के, समाजवादी पार्टी के लोग इस पक्ष में थे कि गरीब परिवारों को भी लैपटॉप मिले। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप गूगल कर लेना, अमरीका के बहुत सारे सिटीज में, उनके स्टेट में आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज अमेरिका के कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और लैपटॉप इसलिए बांटा जा रहा है कि वहाँ के गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी का उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका।